दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है चंबा के होनहार युवा विवेक ठाकुर ने, जिन्होंने अपनी बंजर भूमि में ही हेम ऊर्जा योजना के तहत एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर लगाया है। यही सोलर पावर प्रोजेक्ट उनके लिए स्वरोजगार का साधन बना है। आदित्य अक्षय ऊर्जा सोलर प्लांट के निदेशक विवेक ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पास 500 किलोवाट क्षमता के आदित्य अक्षय सोलर प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया था, जिसे हेम ऊर्जा ने स्वीकृति प्रदान की है। प्रोजेक्ट हमने 2019 में अप्लाई करा था और फिर हमारा उसी के दौरान हेम ऊर्जा में अप्लाई करने के दौरान ये प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन हुआ, जिसमें कि थ्रू आउट हिमाचल के 20 मेगावाट तक प्रोजेक्ट अलॉट होने थे। और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मेल गांव में लगा है। ये आधा मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 500 किलोवाट का, तो ये हमें गर्मियों के दिनों में काफ़ी जनरेशन देता है, काफ़ी फ़ायदा देता है। और तकरीबन गर्मियों के दिनों में तो हमें 3.5 से 4 लाख तक का इसका प्रॉफिट आता है। और साथ में इसमें हमने 3 से 4 लोगों को, लोकल्स को ही आजीविका प्रोवाइड करवाया। और साथ में ये 25 ईयर तक हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा PPA हुआ है, और जिसमें कि वो पर यूनिट हमसे 3.38 के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं, जो कि 25 ईयर तक वो परचेज़ करेगा। और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पता है सारों को कि भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो सूरज रहता है, उसके हिसाब से ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। गौरतलब है कि सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली से जहां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में ये एक बेहतर कदम है। आप पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।